सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। और मैंने इस वीडियो में कुल 5 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि सब एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं कि 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे 4 जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग है, ये 2 का वर्ग है 4, इसी तरह से 3 का वर्ग है 9। तो 4, 9 या 16 या 25 ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इसी तरह से 294 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि एक संख्या मिल जाए जो पूर्ण वर्ग के रूप में हो। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि 294 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। और यह अभाज्य गुणनखंड बहुत आसानी से किया जा सकता है। देखिए, 2 × 3 × 7 × 7 इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, किसी भी संख्या को वर्ग होने के लिए वो जोड़े में होना चाहिए। जैसे यहां पर जो 7 है वो जोड़े में है, लेकिन 2 और 3 ये जोड़े में नहीं है। तो यहां पर एक 2 का गुणा कर दिया जाए इसको जोड़ा बनाने के लिए, और यहां पर एक 3 का गुणा कर दिया जाए इसका जोड़ा बनाने के लिए। तो अब ये संख्याएं ऐसी दिखेंगी, 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। अब ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी क्योंकि ये सब पेयर में हो गए। तो हमने अपने तरफ से अलग से 1, 2 और 1, 3 ये 2 संख्याओं का आपस में गुणा किया है। तो इनको गुणा करने पर क्या मिलता है, 6। तो 6 एक ऐसी संख्या होगी जिसका अगर हम इस संख्या में गुणा कर देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इसका आंसर हो गया 6। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि 269 में कौन सी छोटी सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इस प्रकार प्राप्त योग एक पूर्ण वर्ग हो। तो गुणा करके बताने वाली संख्या तो बहुत आसान होती है। अब इसमें जोड़ने वाली संख्या बतानी है कि वो कौन सी संख्या जोड़ी जाए छोटी सी कि वो जो संख्या मिले वो पूर्ण वर्ग मिले। जैसे मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4, तो हम ये कहें कि 3 में वो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो आप कहेंगे भाई 3 में 1 जोड़ने पर जो संख्या मिलेगी वो पूर्ण वर्ग होती है। इसी तरह से मान लीजिए कि 6 दिया हो, अब पूछे कि 6 में वो सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए, 6 के बाद जो संख्या पूर्ण वर्ग मिलती है वो 9 मिलती है। तो 6 में क्या जोड़ेंगे, तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 ये पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए 11 दे दे और कहे कि 11 में वो सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो देखिए, 11 के बाद जो संख्या पूर्ण वर्ग मिलती है वो 16 है। तो 11 में क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो वो 16 मिलेगी। इसी प्रकार से 269 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो इसके लिए करते क्या है कि 269 को देखने के लिए एक ऐसी संख्या खोजते हैं जिसका पूर्ण वर्ग इसके आसपास हो। तो देखिए, 16 का वर्ग होता है 256, यानी अभी 16 के वर्ग से ये बड़ी है, यानी 17 का वर्ग होगा 289। तो 289 और 18 का वर्ग हो जाएगा 354। इसका मतलब कि ये 256 से बड़ी संख्या है 269 और 324 से छोटी है। तो कौन संख्या मिल रही है, यानी 17 का वर्ग यानी 289 एक संख्या मिल रही है जो पूर्ण वर्ग होगी, जो 16 से बड़ी और 18 से छोटी संख्या 17 है। तो 17 का वर्ग यानी 269 के बाद जो संख्या मिलेगी, जो वर्ग होगी पूर्ण वर्ग, वो 289 है। तो अब 289 में से 269 माइनस कर देंगे तो ये देखिए, 9 में से 9 गया 0 और 8 में से 6 गया 2। तो इस संख्या में 269 में 20 जोड़ेंगे तो हमको जो संख्या मिलेगी वो पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, और वो संख्या क्या मिलेगी, 289 मिलेगी। तो यहां पर यही ट्रिक हम लोग यूज करते हैं कि ये पता लगाते हैं कि 269 किस पूर्ण वर्ग संख्या के आसपास है, बस उस पूर्ण वर्ग संख्या में से इसे घटा देते हैं या जोड़ देते हैं और ये पता कर लेते हैं कि कितनी संख्या जोड़ी जानी है या क्या घटाई जानी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब 2505 में वो कौन सी छोटी सी छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यहां फिर हमको ये देखिए 2505 है, हमको ये संख्या का पता लगाना है कि किस संख्या का वर्ग है इसके आसपास आता है। तो देखिए अगर हम 50 का वर्ग देखें तो 50 का वर्ग है 2500 और ये 2500 से मात्र 5 अधिक है। इसका मतलब कि 51 एक संख्या होगी इसका वर्ग, तो 51 का वर्ग देखते हैं तो 51 का वर्ग ये हो गया 1 और 5 एकम 5 और दूनी 10 0 हासिल 1, 5 5 25 1 26। तो ये 2601 51 का वर्ग है, यानी 50 के वर्ग से जो कि 2500 आ रहा है और 51 का वर्ग आ रहा है 2601, इन्हीं के बीच में ये संख्या है। देखिए तो इसमें छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जानी है। तो अब यहां पर 2505 है और 2500 से अधिक है लेकिन 2600 से ये छोटी है, यानी 50 के बाद जो 51 संख्या है उसी का वर्ग 2601 है। इसका मतलब कि अगर हमको ये पता लगाना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या कौन मिलेगी तो पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी 2601। तो 2601 में से 2505 घटा देंगे तो 11 में से 5 गया 6 और यहाँ वो बच गया 9। तो 96 जोड़ने पर हमको वो संख्या मिलेगी जो पूर्ण वर्ग होगी, यानी 2505 में 96 जोड़ा जाएगा तो 2601 मिलेगी और वो पूर्ण संख्या। इसको पता लगाने के लिए आप कोई भी मेथड अपना सकते हैं। आपका मूल उद्देश्य क्या है कि एक ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या का पता लगाना जो दी हुई संख्या के आसपास हो, उससे बड़ी हो या उससे छोटी हो। जोड़ के स्थिति में जो जोड़ा जाना है तो बड़ी संख्या चाहिए, घटाया जाना होगा तो इससे छोटी संख्या देखनी होगी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये 2018 में आया है एसएससी सीएचएसएल में। 7 × 8 × 9 × 10 के गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए? तो यहां भी जोड़ी जाने की ही बात किया जा रहा है। तो हम लोगों को 7 × 8 × 9 × 10 का गुणनफल प्राप्त करना है। तो 8 × 9 = 72 यानी 720 × 7, 700, 7 × 2 = 14, 7 × 7 = 49, 150 यानी इनका गुणनफल हमको मिल गया 5040। अब 5040 को ये देखेंगे कि वो किस संख्या के वर्ग के आसपास ये आ रहा है। तो इस चीज को जानने के लिए दो तरीका है कि हम 5040 का वर्गमूल निकाल करके देखते हैं कि किस संख्या के आसपास पड़ रहा है। तो देखिए ये इस चीज का पता लगाने के लिए वर्गमूल निकालेंगे। तो यहां पर देखिए ये वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग जोड़ा बनाते हैं, ये लाइन हम मिटा देते हैं, जोड़ा बनाते हैं और ये 7 बार जाएगा तो 7 × 7 = 49। देखिए 10 में से 9 गया 1, 4 0 और ये हो गया 7 × 7 = 14, तो ये हो गया 70। यानी 70 के वर्ग में, तो 70 का आप वर्ग करेंगे तो ये हो गया 4900। और आपको यहां पर निकालना है 5040, 5040 तो 71 का वर्ग में ये संख्या मिलेगी। तो 71 का वर्ग क्या होगा? तो ये 1 होगा, 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 14, 4 और 7 × 7 = 49। तो 71 का वर्ग 5041 आ गया और ये पूछना है कि कौन सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए। तो 5041 में से ये जो संख्या 5040 आई है इसको माइनस कर देंगे तो ये 1 आ गया, यानी 1 जोड़ने पर आपको 5041 मिल जाएगा और 5041 71 का वर्ग है यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 11 × 12 × 13 × 14 के गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए? तो अब यहां भी क्या करेंगे, 11, 12, 13 और 14 का ये जो गुणनफल है इनके गुणनफल को हम लोग लिख लेंगे। तो इनको गुणा करने के बाद जो संख्या आपको मिलेगी, देखिए 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 14 × 3 = 42 और 14 × 14 = 18, 182 हुआ। 182 में अब 12 का गुणा करिए तो
तो 12 दूनी 24 और 12 बटे 96 और 2 98 के 8 हासिल 9, 12 करने 12 9 21 और 2184 में अब 11 का गुणा करना है, तो 11 का गुणा करने पर देखिए 4 मिलेगा, 8 4 12, 8 और 4 12 के 2, 8 1 9 1 10 और 1 और 2 3, 3 1 4 और ये 2, तो 24024 जो है ये संख्या मिल गई हमको, इनका गुणनफल मिल गया 24024। अब देखिए हमको ये पता करना है कि किस संख्या के वर्ग के आसपास ये संख्या मिल रही है, तो हमको इसका वर्गमूल निकालने से पता चल जाएगा कि ये किस संख्या के वर्ग के आसपास है। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए ये पेयर बनाते हैं और पेयर बना करके और इसमें संख्या से गुणा करते हैं, तो ये एक एक का पल ले जाएंगे तो ये एक हुआ, यहां पर हो गया दो, और देखिए ये दो में से एक गया एक, ये पूरा ये जो पेयर है वो पूरा पूरा उतर जाता है। अब यहां पर देखेंगे कि कितनी बार गुणा करें, तो अगर हम लोग इसको पांच से गुणा करें तो ये हो जाएगा, देखिए पांच पांच पच्चीस की पांच हासिल दो, पांच दुनी दस, दो बारह, फिर माइनस करेंगे और पांच यहां जुड़ता भी है, दस में से पांच गया पांच, तीन में से दो गया एक, और ये पूरा चौबीस यहां पर उतर जाएगा। अब ये पांच पांच दस हुआ और दो एक तीन हुआ। अब हम लोग इसको ले जाएंगे चार बार, तो यहां चार चार में चार का गुणा होगा तो चार चौके सोलह हो गया और चार तियाई बारह, तो चौदह में से छह गया, आठ छह चौदह ये एक, और पांच में से ये तीन दो निकल गया, 308 यानी 154 आ रहा है, तो 155 क्योंकि इसमें शेष भी आ रहा है तो 155 का वर्ग हम लोग देखेंगे, 155 का वर्ग में ये संख्या आपको मिलेगी। तो 155 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये 15 और 5 को अलग कर लेंगे, तो ये हो गया 25। अब 15 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 पांच 80, 8 16 एकम 16 और 8 24, तो देखिए 155 के वर्ग में 24025 संख्या मिल रही है और ये संख्या दिया है 24024, तो इसमें इसको 24024 को माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितनी संख्या जोड़नी है। तो इसमें भी हमको एक जोड़ना है, अगर 24024 में प्लस वन कर देंगे तो हमको 24025 संख्या मिलेगी जो 155 का वर्ग है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको वर्ग निकालने के लिए और वर्गमूल निकालने के लिए जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, आप चाहें तो यूट्यूब पर मेरे चैनल ट्रिपल एस पॉइंट्स पर आप जा करके इस वीडियो को देख करके वर्ग निकालना और वर्गमूल निकालना दोनों जान सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो भी मेरे नए वीडियो हैं वो आपको मिल जाएंगे और आप उसका लाभ ले पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।